वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आज बनाने जा रहा है चिकन हरियाली, जिसके लिए ले लिया खड़ा मसाला, ज़ीरा, लाल मिर्ची, तेज़पत्ता और इलायची है। और इधर है हमारे प्याज है, प्याज चार को मैंने बारीक चॉप कर लिया, दो टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही ये हरी मिर्ची है। और मसालों में डालने जा रहे हैं हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक है और धनिया पाउडर है। और इधर है थोड़ा सा आधा किलो मैंने चिकन ले लिया, इसको मैंने अच्छे से धो के इसका पानी निकाल दिया था। और इधर ले लिया है मैंने कढ़ाई, तो कढ़ाई जब तक कढ़ाई के अंदर तेल गरम हो रहा है, और तेल गरम होने के बाद ही इसी के अंदर मैंने डाल दिया है सारे खड़े मसाले, और खड़े मसाले भी अच्छे से तेल के अंदर भून गए। और इसी के साथ हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज डालने के बाद फ्रेंड्स, पूरे प्याज डाल दिए और इसको एक बार अच्छे से चला देते हैं। और आँच को हम डाल देंगे, हम रख देंगे मीडियम आँच के ऊपर, इसको अच्छे से हम भुनाएंगे। और अभी देखिए हाफ कुक है, और इसी के साथ ही हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी इसी के बीच में मिला देते हैं। और साथ ही में हम डाल देंगे टमाटर, तो टमाटर डालने के साथ ही हम इसके अंदर ये खड़ी मिर्ची है, जो हरी मिर्ची, इसको भी मैं इसी के साथ डाल देती हूँ और एक बार अच्छे से फिर से चला देती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप तक वीडियो पहुँचाने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोग का सपोर्ट नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सके। आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हम मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और जल्द से जल्द आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बढ़िया सा मसाला बनके रेडी हो गया है, और इसी के साथ डाल दिया है मैंने चिकन मसाला। और चिकन मसाले को भी मैं एक बार अच्छे से इसके अंदर मिक्स करती हूँ और इसी के साथ डाल देती हूँ यहाँ पर चिकन। चिकन डालने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर इतना पानी होगा कि चिकन के पानी के अंदर ही मसाला अच्छे से गल गया है और चिकन भी इसी के साथ गल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, तेल भी छूटना शुरू हो गया है, और जैसे जैसे तेल सेपरेट होता जा रहा है और पानी सूखता जा रहा है, रंगत एकदम बढ़िया सा आ रहा है। और फ्रेंड देखिए, इसको तब तक हमको भूनना है जब तक कि पानी पूरा सूख ना जाए और तेल सेपरेट ना आ जाए। और देखिए पूरा अच्छे से तैयार हो गया, और इधर हम आपको प्लेट के अंदर शिफ्ट करके एक बार दिखाएंगे और आपको जूम करके दिखाऊंगे कि कितना ही बढ़िया लाल रंगत बन के तैयार हो गया है। और अब देखिए फ्रेंड, ये फाइनली इसका लुक देखिए, कितना ही बढ़िया मसाला देखिए। और आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ मर्जी खाइए, बहुत ही बढ़िया बना है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।